हेलो फ्रेंड्स, फिर से आप सभी का यहाँ पर स्वागत है मेरे चैनल व्हाट्स न्यू पे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आप अपने रेडमी 3S या फिर रेडमी 3S प्राइम पे वाइपर रोम कैसे डाल सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ इसको कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से इस फाइल को डाउनलोड कर लीजिए। तो यहाँ पर से ये फाइल जो आप देख रहे हैं वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हो जाने के बाद आप अपने मोबाइल का पूरा बैकअप ले लीजिए। उसके बाद आपका जो भी EMI अकाउंट है उसको साइन आउट कर दीजिए और आपके मोबाइल पे कोई भी कस्टम रिकवरी फ्लैश कर दीजिए। अगर आपको नहीं पता कि वो कैसे करते हैं तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, मेरा वो वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं और कोई भी कस्टम रिकवरी अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए और रिकवरी मोड में डाल दीजिए। फ्रेंड्स, हमारा रिकवरी मोड ऑन हो गया है, तो यहाँ से आप बैकअप ले सकते हैं अभी तक आपने नहीं लिया है। तो स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पर वाइप पे क्लिक कीजिए, एडवांस पे क्लिक कीजिए और जो फर्स्ट तीन ऑप्शन दिखाई देते हैं आपको उसको सिलेक्ट करना है और इस स्केच को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ से स्वाइप कर दीजिए। तो ये हो जाने के बाद बैक पे आ जाइए, मेन मेनू पे आ जाइए और इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। और यहाँ से अगर आपने वो फाइल इंटरनल स्टोरेज पे डाले तो इंटरनल स्टोरेज सिलेक्ट कर लीजिए या फिर SD कार्ड को सिलेक्ट कर लीजिए। और जहाँ भी आपने वो फाइल डाली है, यहाँ पर मेरी ये फाइल यहाँ पर है तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से इसको स्वाइप कर दीजिए। ये हो जाते ही यहाँ पर वापस से वाइप पे क्लिक कीजिए और इसको स्वाइप कर दीजिए और रिबूट सिस्टम पे क्लिक कीजिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वाइपर OS पूरी तरह से इंस्टॉल हो गई है, आप देख ही पा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए। अगर आपके कोई सवाल है या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।